तो फाइनली दोस्तों, गाड़ी की जो इंजन की हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो असेंबलिंग के ऊपर है। तो अभी पूरा इंजन खुला हुआ है और ये हमारा बाकी का सामान है, एकदम सारा एकदम रेडी करके रखा है। और वो रखा किसने है मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये है कासिम भाई, कासिम भाई ने हेल्प किया सारा सामान रेडी करने में, तो इसका क्रेडिट इन्हें ही जाता है। हमारी टीम के नए मेंबर हैं कासिम भाई, तो बातें हो गई बहुत सारी, काम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें मेन बैरिंग को असेंबल करेंगे। अब मेन बैरिंग कैसे लगाते हैं, मैंने जो क्रैंक केस का जो आरएच साइड का क्रैंक केस है उसका बैरिंग को बाहर निकाल रखा है, नया बैरिंग इसमें असेंबल करेंगे। बैरिंग भी हम इसमें रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल डाल रहे हैं। तो ये मैंने पहले कहा था कि मैं पार्ट नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये पार्ट नंबर और इसका प्राइस है। तो अभी हम यहाँ का ये रोलर बैरिंग लगाने वाले हैं, जो इसे बोलते हैं निडल बैरिंग। ये निडल बैरिंग है। तो पहले हम इस बुश को निकाल लेंगे और इसको असेंबल कर दें। मैं असेंबल करने के लिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ेगी, हैमर, फाइबर का हैमर। हैमर दिखाओ, ये हमारा फाइबर का हैमर है। हमें कोई भी मेटल की हैमर यूज़ नहीं करनी है, इसी हैमर से हम इसको फिट करेंगे। तो मैं एक बारी आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो बैरिंग हमारा कम्प्लीटली फिट हो गया और ये बिल्कुल फेस हो जाता है फिट होने के बाद। आप चैम्बर को पलट के भी देख सकते हैं, लेकिन फाइबर की हैमर ही यूज़ करनी है। तो ये हमारा दूसरा क्रैंक केस है। अब दूसरे क्रैंक केस में हमने बैरिंग कैसे बिठाना है, सबसे पहले जो हमारा ये एक लॉक है ये हमें सेंटर में लॉक लगा लेना है, ठीक है। अब सेंटर में लॉक लगाने के बाद क्या होता है कि जो क्रैंक साइड का बैरिंग है वो बैरिंग हम कैसे लगाएंगे, लॉक लगाने के बाद हमें इसमें ये एक वाशर डालना है। इस वाशर का कोई उल्टा सीधा भी नहीं है, आप कैसे भी डाल सकते हैं, चाहे ऐसे डाल दो या फिर आप ऐसे डाल दो, ठीक है, कोई उल्टा सीधा नहीं है, आप कैसे भी इसको डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हमने यहाँ का बैरिंग लगाना है। अब यहाँ का बैरिंग कौन सा है, वो है ये रोलर बैरिंग, ये वाला। मैं आपको एक बार बैरिंग का नंबर भी दिखा देता हूँ, NU305E, ये वाला बैरिंग है इसका। तो मैं इसका जो रोलर है सामने साइड में रखता हूँ, ये अंदर का बुश, और बैरिंग को असेंबल करते हैं। तो फाइनली हमारा ये वाला बैरिंग फिट हो गया। अब हम बैरिंग को फिट करते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हमारा स्प्रेक क्लच लगता है, उस साइड हमें क्या क्या लगाना है, बैरिंग कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस साइड हमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ बैरिंग लगा के ऊपर से हमें इसका लॉक लगा देना है। तो पहले मैं इसका बैरिंग फिट कर लेता हूँ, फिर आपको लॉक लगा के दिखाऊंगा। ये रहा बैरिंग, इसको फिट करने के बाद मैं आपको लॉक लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ, इसका भी नंबर एक बारी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बैरिंग का नंबर है 63-05-C3। तो मैं फटाफट इसको फिट कर लेता हूँ और फिर फिट करके दिखाऊंगा। आप ध्यान रहे, फिट करते समय ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि सीट में ये अच्छे से फिक्स हो गए, जल्दी से प्रश हो जाए। तो फाइनली हमने बैरिंग फिट कर दिया, अब इसका लॉक लगा लेते हैं। तो फाइनली हमारे क्रैंक के जो बैरिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए, हमने ये लगा दिया है। और लॉक लगाने के बाद मेन बैरिंग फिट करने में इतना ही होता है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती थी ये बैरिंग निकालने के बाद, कि बाशर ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, कि ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, यही कर करके। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि मेन बैरिंग को कैसे फिट करते हैं, इनकी एक्यूरेसी क्या है, तो यही था, बाकी कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ और प्लस पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा बड़ा वाला बुश है ये बैरिंग का मेन बुश है, और ये जो छोटा वाला बुश लगा ये डेस्टिन है। तो ये जो डेस्टिनेशन है ना, ये मेन बुश के ऊपर लगेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती थी कि ये कहाँ लगता है, मतलब ध्यान नहीं रहता, थोड़ा अजीब लगता है ये। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, ये ऊपर की तरफ लगता है और मेन जो बैरिंग का बुश है वो नीचे की तरफ। तो एक बुश हमने इधर की साइड लगाना है, बस हो गया कंप्लीट। तो मेन बैरिंग ऐसे ही फिट करते हैं गाड़ी के अंदर। ये
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।